तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अपना रैमपेज का, मतलब देख सकते हो ये वाला बंडल आ चुका है, जिसमें रैमपेज असेसियन का ये वाला बंडल काफ़ी ओपी सा और काफ़ी लेजेंडरी, जिसमें मतलब अलग कलर भी अपन वो आपने देखा हो, कोबरा बंडल आया ना अपना, एक गुया वाला बंडल भी आया उसी टाइप से अपन को देखने को मिलता है। तो अभी इसमें अपन डायमंड लगाने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कितने क्या होगा। सबसे पहले तो आप कौन सा भी कैरेक्टर चूज़ कर लो जिसको आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हो। मतलब मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ जिसको मैंने मतलब कभी अभी तक यूज़ नहीं किया है, मतलब ले तो लिया लेकिन कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो उसको लेने के बाद अपन लगाएंगे डायमंड और देखने वाले कितने क्या डायमंड, अगर आप भी लगाओगे तो खर्च होंगे, अगर आपके मतलब निकलने का होगा तो कितने में निकल जाएगा। तो चलिए अभी 40 का स्पिन करके, 240 का स्पिन करेंगे, फिर देखेंगे वापस 180 का स्पिन करेंगे, देखते कितने क्या मिलता है अपन को। लग तो देख सकते हो अभी 40 का स्पिन हो चुका है, क्या ही तो अलग सा एलिमिनेशन दिया। तो चलिएगा मतलब एक टोकन तो निकल जाता है सबके इजीली, लेकिन देख सकते हो मेरे भी मतलब निकल चुका है, आपके भी अगर लगाओगे तो कभी कभी निकल जाता है। तो चलिए एक टोकन तो अपन को मिल चुका है बड़े आराम से 40 डायमंड के अंदर। तो चलिए अभी वापस 40 का स्पिन करके देखेंगे। अभी इसका एनिमिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई साहब, कुछ भी बोलो। इस रैम्पेज मतलब ये वाला जो भी रैम्पेज का अपन का पूरा इवेंट आया था अभी तक, काफ़ी ओपी है और देख सकते हो। तो चलिए गाइस अभी अपन को एक और टोकन मिल चुका है जो काफ़ी ओपी वाली बात है, मतलब धीरे धीरे अपन नज़दीक जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है तीसरे और चौथे मतलब तीसरा भी मिल जाएगा, चौथे और पाँचवें में इतना रुलाएंगे क्या ही बोल सकते हो उनके लिए। तो देख सकते हो अभी तक भी नहीं मिला है। तो चलिए वापस 40 का स्पिन अभी देखते हैं क्या मिलता है। ये एनिमिनेशन ही अपन को भाई साहब कितनी बार बताएंगे। तो चलिए और देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है अभी, और आगे पे आगे देखते जाते हैं। तो चलिए अभी भी कुछ नहीं मिला, मतलब देख लेना अगर तीन टोकन मिल जाए फिर 40-40 के स्पिन करना, क्योंकि जिससे आपका लक बना रहेगा आपको आगे जाके मिलने के चांस रहेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं क्या मिलता है अपन को। तो चलिए गाइस अभी अपन को तीसरा टोकन भी मिल चुका है जो काफ़ी ठीक ठाक वाली बात है। अभी भी मेरे को नहीं लगता है मेरे को 1400 डायमंड के अंदर ये वाला पूरा बंडल निकल जाएगा। आप भी कमेंट करके अभी अभी बता लेना निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो चलिए अभी और इसमें डायमंड लगा के आपको मैं बता लेता हूँ। तो चलिए गाइस अभी भी 180 का डायमंड कुछ नहीं मिला भाई साहब। तो चलिए एक और 180 का डायमंड का स्पिन कर दिया, इसमें भी कुछ नहीं मिला है। तो भाई साहब अभी चिंगाड़ी गिरी हो रही है। तो चलिए अभी अपने पास जो रिवॉर्ड पड़े हैं मतलब ये वाला आइटम, इनको एक ही साथ एक्सचेंज करके देखते हैं, इसमें से एक आधा टोकन निकल जाएगा तो अपने लिए काफ़ी ओपी वाली बात होगी। तो चलिए अभी देखते हैं क्या मिलता है अपन को। तो एक तो टोकन मिल जाएगा काफ़ी। तो चलिए गाइस अभी अपन को एक टोकन मिल चुका है जो काफ़ी ओपी वाली बात। अरे ये क्या हो, अरे भाई साहब दोनों टोकन एक साथ मिल गए भाई साहब। अरे भाई क्या ही तो ओपी वाली बात हो गई, क्या 800 डायमंड के अंदर मुझे ये वाला इतना लेजेंडरी बंडल है, इसके साथ चार आइटम और मुझे मिल चुके हैं। देख सकते एक ड्रैगन डेजर्ट ईगल की स्किन, एक कार की स्किन जो काफ़ी ठीक ठाक वाली और ओपी वाली है, तो ये भी अपन को मिल गया। तीसरे नंबर पे अपन को इमोट भी देखने के लिए मिल गया है जो काफ़ी ओपी सा है, और भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देख सकते हो ये वाला बंडल तो मेरे बड़े आसानी से निकल गया। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता लेना, और ऐसी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करके, चैनल पे कोई भी न्यू बाय आया तो सब्सक्राइब करके उस बाजू वाली बेल आइकन क्या करना ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए ये वाला बंडल है इसको भी मैं क्लेम करके देख सकते हो, काफ़ी ओपी सा भाई साहब, क्या ही तो एनिमिनेशन है। अरे भाई साहब तो चलिए इसे भी इक्विप कर लेते हैं अभी। तो अच्छा गाइस चलता हूँ, बस आज की वीडियो में इतना ही, अच्छा गाइस चलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।